देवी दीक्षा विहीनस्य देवी दीक्षा विहीनस्य देवी दीक्षा विहीनस्य देवी दीक्षा न सिद्धि न च सद्गति न सिद्धि न सिद्धि न च सद्गति तस्मात् सर्व प्रयत्नेन तस्मात् सर्व तस्मात् सर्व प्रयत्नेन गुरुणां दीक्षितो भवेत् गुरुणां दीक्षितो भवेत्। इस श्लोक का अर्थ ये है कि शिव जी कहते हैं देवी दीक्षा के बिना न इस लोक में सिद्धि मिलती है न मरने के बाद परलोक में सदगति प्राप्त होती है। मानव मुक्त होना चाहता है संतापों से, परंतु संताप की जड़ों को ही पानी सींचता रहता है। फल कड़वे कोई नहीं चाहता, परंतु कड़वे नीम की जड़ों को पानी सींचता रहता है। तीखे फल नहीं चाहता, कड़वे नहीं चाहता, परंतु मिर्ची और अदरक को पानी सींचता रहे और बोले के मीठा फल मेरे को नहीं मिला। बोया था बबूल का पेड़ और सोचे मेरे को आम क्यों नहीं मिला। परीक्षा ठीक से दी नहीं और बोले मैं फेल कैसे हो गया। विद्यार्थी तो बना नहीं, बोले मैं तो शिक्षक होना चाहता था। बहू तो बनी नहीं, बोले मैं तो सास बनना चाहती हूं। पहले बहू बनेगी फिर सास बनेगी, पहले विद्यार्थी बनेगा फिर शिक्षक बन पाएगा। मोबाइल फोन तो है पर नंबर सही मिलाया नहीं तो सही व्यक्ति से बात कैसे हो। नंबर गलत मिलाया तो गलत जगह रिंग बजेगी, समय भी जाएगा पैसा भी जाएगा और सही व्यक्ति से बात नहीं हो पाएगी। सदगुरु की शरण में न आना, मनमाना आचरण करना, मन चाहे ढंग से खाना पीना घूमना फिरना जप तप न करना, ये मानो ऐसा ही है, गलत नंबर डायल किए जा रहे हैं। फिर बोलते हम दुखी हैं दुखी हैं दुखी, नाचना आया नहीं और आंगन का दोष निकाल रहे हैं। वो कहावत है ना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। पेंटिंग का सामान हो, ब्रश भी अच्छे हो, बोर्ड भी हो, पर पेंट करने वाला सही न हो तो ब्रश भी बिगाड़ेगा, कलर भी बिगाड़ेगा, बोर्ड भी खराब कर देगा। बनाने वाला सही होना चाहिए। कारपेंटर सही नहीं होगा तो लकड़ी बिगाड़ देगा और फर्नीचर अच्छा नहीं बना सकेगा, बिगाड़ देगा। तो नीम के कड़वे फल नहीं चाहते तो उसको पानी सींचने की जरूरत नहीं है। बबूल के कांटे नहीं पसंद है तो उसकी जड़ों को पानी देने की जरूरत नहीं है। कार्यकारण का संबंध देखने के लिए एक दिव्य प्रतिभा चाहिए। बीज में वृक्ष को देखने के लिए एक गहरी आंख चाहिए। बीज गलत बोया फिर फल गलत आया तो दुखी होने लगे, अपने भाग्य को कोसने लगे। बीज ठीक से बोया जाए, सही बोया जाए तो गुरु मंत्र ऐसा ही है। आपने सुनी होगी बचपन में वो कहानी पढ़ी होगी कि कौवे को लगी प्यास
पानी की खोज में कौआ बहुत दूर दूर गया। आखिर एक जगह, एक ऐसी जगह मिली कि पानी था, उस छोटी सी टंकी में खुली थी, जमीन पर पड़ी, पर पानी नीचे था, कौए की चोंच पहुंच नहीं सकती थी वहां। तो उसने क्या किया, बाहर से कंकड़ उठाए और उसमें डालता गया, कंकड़ उठाए डालता गया। पानी ऊपर आया, उसने जी भर के पिया। ऐसे व्यक्ति जप करता जाए और अपना गुरु मंत्र कभी किसी को बताए नहीं। कलकत्ता के आश्रम में सत्संग था तो एक महिला ने मुझसे पूछा कि मैंने अपना गुरु मंत्र किसी महात्मा को बता दिया है, उनका नाम भी लिया, मैं नाम नहीं लूंगा अभी। बोले उन्होंने जबरदस्ती पूछा कि अपना गुरु मंत्र बताओ मेरे को, बापूजी ने क्या दिया है। बोले मैंने मना किया कि अपना गुरु मंत्र किसी को बताया नहीं जाता, तो उन्होंने जिद की कि नहीं, गुरु मंत्र तो भगवान का नाम है, तो बताने में तुम्हारा क्या जाता है, बताओ। जबरदस्ती दबाव डाला और मेरे से पूछ लिया। मैंने उस बहन को कहा कि उस महात्मा ने शास्त्र पढ़े ही नहीं, शास्त्र पढ़े होते ना तो किसी से उसका गुरु मंत्र पूछा नहीं जाता। एक अंग्रेज किसी संत के पास गया, थोड़ी हिंदी सीख गया था और कहा मुझे भगवान का नाम दो, मैं जपूंगा। संत ने अलग बिठाकर उसको कहा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ये जपा करना। फिर कहा कि ये अपना गुरु मंत्र किसी को बताना मत। अब उसको हुआ कि ये तो सब जानते हैं, गली के बच्चे भी गाते रहते हैं, कई बार मंदिरों में लोग बोलते रहते हैं धार्मिक, और ये बोलते हैं किसी को बताना मत। तो उस अंग्रेज ने एक लेख लिख दिया कि ये तो भगवान का नाम ही है, बताने में क्या बुरा है, बता देना चाहिए। और संत ने कहा नहीं बताना। अब उसको पता नहीं, उसको इतना पता नहीं कि गुरु मंत्र अपने भीतर रखा जाता है, जितना भीतर उसको रखेंगे उतना वो भीतर गहरा उतरेगा, और बाहर लाएंगे जुबान पर, लोगों को बताएंगे ये मेरा गुरु मंत्र, ये मेरा गुरु मंत्र, उतना समझो हम उसका लाभ पाने से वंचित हो रहे हैं। इसलिए अपना गुरु मंत्र समर्थ सदगुरु से लिया जाता है और उसको गुप्त रखा जाता है, तो उसका प्रभाव, और मनोयोग पूर्वक जप किया जाता है, उसका प्रभाव दिन दूना रात चौगुना देखने को मिलता है। मंत्र कहते ही उसे हैं जो मनन करने पर त्राण कर दे। मननात् त्रायते यस्मात् तस्मात् मंत्र प्रकीर्तितः। मनन करने पर जो उद्धार कर दे उसका नाम मंत्र है। सदगुरु शिष्य को मंत्र देते हैं तो मंत्र के साथ अपना आशीर्वाद, अपनी तपस्या की पूंजी भी शिष्य को देते हैं। जप करने वाला प्रहलाद की नाई दृढ़ होकर जप करता है तो जैसे प्रहलाद को हिरण्यकश्यपु खूब सताता था, आखिर हिरण्यकश्यपु की पराजय हुई, प्रहलाद की जीत हुई, उसी प्रकार कलयुग रूपी हिरण्यकश्यपु साधक रूपी प्रहलाद को बड़े कष्ट देता है। कभी शारीरिक बीमारी, कभी आर्थिक कष्ट, कभी कुछ कौटुंबिक कष्ट, कभी सामाजिक कोई कष्ट, यह कलयुग रूपी हिरण्यकश्यपु बहुत कष्ट देता है। पर प्रहलाद की तरह साधक जप करता रहे, लगा रहे, तो भगवान का नाम, वो कलयुग में भगवान का आविर्भाव विशेष है, वो जापक का हित करता है, जापक की रक्षा करता है। कई गाथाएं हमने सुनी पड़ी है, मीरा का विष अमृत हो गया, प्रहलाद ने भी विषाक्त तो भोजन खाया था परंतु वो भी उसको मार न पाया।
तो ठीक ध्यान पूर्वक जीवन ढंग से जिया जाना चाहिए। लोग जीवन ढोंग से जीते हैं, फिर